विनय सक्सेना जी से कहना चाहूंगी कि हमें पता है कि आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, हमें पता है कि आप अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और जो ये प्रस्ताव है कि किसानों की फ्री बिजली रोकी जाए, वकीलों की फ्री बिजली रोकी जाए, ये एलजी साहब के दबाव में बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एलजी ऑफिस पे बैठे रहते हैं और फिर वहां से एलजी साहब फोन करते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं और कहते हैं कि फ्री बिजली को बंद करो। आज सुबह मुझे बिजली मंत्री होने के तौर पे बिजली विभाग से एक फाइल आई। उस फाइल में बिजली विभाग ने ये प्रस्तावित किया है कि जो फ्री बिजली दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के किसानों को देती है, दिल्ली के वकीलों को देती है, उस फ्री बिजली को बंद करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के बिजली विभाग ने आज मेरे सामने रखा। जब ये फाइल मेरे सामने आई तो मुझे बहुत अचंभा हुआ कि चुनी हुई सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, बिजली मंत्री ने जब कोई आदेश ही नहीं दिया कि वकीलों की फ्री बिजली रोकनी है, उनके चेंबर्स की फ्री बिजली रोकनी है, किसानों की फ्री बिजली रोकनी है, तो आखिरकार ये प्रस्ताव आया कहां से? मैंने पावर डिपार्टमेंट के अफसरों को बुलाया और पावर डिपार्टमेंट के अफसरों ने एक सुर में एक ही बात कही। उन्होंने सबने बताया कि एलजी साहब का बहुत दबाव है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहुत दबाव है कि हमें बार बार एलजी साहब द्वारा बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बोला जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से जो दिल्ली सरकार फ्री बिजली दे रही है उस फ्री बिजली को रोका जाए। उन्होंने बताया कि रोज रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता एलजी ऑफिस पे बैठे रहते हैं और फिर वहां से एलजी साहब फोन करते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं और कहते हैं कि फ्री बिजली को बंद करो, और जो ये प्रस्ताव है कि किसानों की फ्री बिजली रोकी जाए, वकीलों की फ्री बिजली रोकी जाए, ये एलजी साहब के दबाव में बनाया गया है। मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जी से कहना चाहूंगी कि हमें पता है कि आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, हमें पता है कि आप अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, पर मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहूंगी कि हमसे इतनी नफरत भी मत कीजिए कि अब आप दिल्ली वालों से नफरत करने लग गए हैं, अब आप दिल्ली के वकीलों से नफरत करने लग गए हैं, अब आप दिल्ली के किसानों से नफरत करने लग गए हैं। जब से ये खबर सुबह से बाहर आई है, इसकी सूचना वकीलों को मिली है, किसानों को मिली है, तो बार बार सुबह से मेरे पास फोन आ रहे हैं वकीलों के, वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे चेंबर्स में देने वाली फ्री बिजली बंद हो जाएगी। किसान पूछ रहे हैं कि क्या जो हमें अपनी खेती के लिए फ्री बिजली मिलती थी वो बंद हो जाएगी। मैंने कल दिल्ली के कई किसानों को और दिल्ली के कई वकीलों को समय भी दिया है, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से दिल्ली के किसानों को, दिल्ली के वकीलों को यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल हैं तब तक चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, चाहे एलजी साहब के और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कोई भी फाइलें चला ले, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल हैं तो आपकी फ्री बिजली रुकने वाली नहीं है। ना किसानों की फ्री बिजली रुकने वाली है, ना वकीलों की फ्री बिजली रुकने वाली है, ना जो सारे दिल्ली वालों को फ्री बिजली अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देती है वो रुकने वाली है। चाहे एलजी साहब कितनी कोशिश कर ले,
चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश करते कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के हक के लिए, दिल्ली वालों की एक बेहतर जिंदगी के लिए लड़ते रहेंगे और आपको आपका अधिकार मिलता रहेगा।